पहला क्वेश्चन आपके लिए, इन पर्वोस्काइट स्ट्रक्चर ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप नाम याद करके जाना, आप तो एक जनरलाइज व्यू में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इन पर्वोस्काइट स्ट्रक्चर टू केटायंस आर प्रेजेंट, विथ ऑक्सीजन विथ ओ टू माइनस आयन्स, केटायन्स आर एम टू प्लस एंड एम फोर प्लस, गिवन एम टू प्लस ऑक्यूपाइज 3 सेंटर, सॉरी क्यूब सेंटर नहीं, एम फोर प्लस ऑक्यूपाइज क्यूब सेंटर एम टू प्लस ऑक्यूपाइज क्यूब कॉर्नर्स एंड ओ टू माइनस ऑक्यूपाइज फेस सेंटर, ठीक है, फाइंड फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रक्चर। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ इट एंड एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था अभी, हाँ, ऑल्सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर। चलिए, पहला वाला तो बहुत आसान है, दूसरा और तीसरा मैंने आपकी जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए ऐड करना चाह रहा हूँ, तीसरा भी आप लोग खुद कर सकते हो, ट्राई करो जल्दी से। पहला और तीसरा बहुत आसान है, इट्स पर्वोस्काइट है ना, वी भी आएगा यहां पर। यस, बिल्कुल सही आंसर है M2O3, बिल्कुल सही आंसर है आशुतोष। अब वो M2O3 का आप चाहो तो MmO3 भी लिख सकते हो, है ना, लेकिन देखो मेरी बात को ढंग से समझना, मैंने ऐसा तो नहीं लिखा कि M1 2 प्लस और M2 4 प्लस, तो आप इसको ऐसे भी नहीं बोल सकते कि सर M1 M2 O3, ठीक है, वही केटायन है लेकिन उसी केटायन का 2 प्लस वाला भी मौजूद है और उसी केटायन का 4 प्लस वाला भी मौजूद है, बात को समझने की कोशिश करना यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे Fe है, Fe का +2 भी आता है और +3 भी आता है, तो लिखोगे तो Fe ना, ठीक है ना, दैट इज Fe2O3, तो इट्स सिमिलर टू लाइक दैट Fe2O3, बट Fe2O3 के अंदर क्या है, एक Fe +2 पे होगा तो एक Fe +3 पे होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ तो एक +2 पे और एक +4 पर है, इसको अपन को समझना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखें एक बार अपन क्या होगा, एम फोर प्लस बेटा क्यूब के कॉर्नर पर है, कॉर्नर वाला सॉरी क्यूब के सेंटर पे है, मतलब बीचों बीच एक ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। एम टू प्लस आठों कॉर्नर पर है और आठों कॉर्नर भी इफेक्टिवली कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन की बात करें तो सिर्फ फेस के सेंटर पर है, एफ सी सी नहीं बनाने को बोला उसने, बोला सिर्फ फेस के सेंटर पे ऑक्यूपाई कर रहा है, तो फेस कितने आपके पास 6, और 6 फेस पे आधा आधा आएगा, मतलब 3 आएगा कुल मिला के, एफ सी सी के अंदर कॉर्नर हटा दिया कुल मिला के, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा इस केस में, एम टू प्लस एम फोर प्लस और 4 आपके पास क्या आ जाएंगे यहाँ पर, सॉरी 3 आपके पास क्या आ जाएंगे यहाँ पर, ओ टू माइनस, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और इसको लिखने का तरीका जैसे आशुतोष ने अभी बताया, बिल्कुल सही तरीका, उसमें कोई गलत नहीं है, दैट इज M2O3, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड आपको मैं एग्जांपल्स जरूर देना चाहता हूं, यहां पर एग्जांपल में आएगा बेटा एक तो MgTiO3, अब आप खुद सोचो Mg यहां पर कौन है, 2 प्लस, मतलब ये जरूरी नहीं है कि अपन ने तो यहां पर एक ही M लिया तो वो एक ही M आ गया, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों एम्स हमेशा सेम हो, जैसे इस वाले एग्जांपल में आप देखो तो दोनों मेटल आपके अलग अलग है,
ठीक है, तो मैं आई कैन से कि ये M1 हो सकता है, ये M2 हो सकता है, ठीक है ना। तो ये Md2+ हो गया, और ये टाइटेनियम आपका क्या हो गया, बेसिकली 4+ हो गया, और ये आपका ऑक्सीजन 3 2- हो गया, खत्म। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पर्वोस्काइट स्ट्रक्चर। तो बस अपन को जस्ट एक बार रीड आउट करके जाना है, जब अपन जेई एडवांस का पेपर देने जाए तो ये जस्ट क्वेश्चन रीड आउट करें। अगर मेंस में आता है तो जैसा मैंने दिया है वैसे ही देगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ। जोशी जी आ गए, नालायक को डांट पिट गई। क्वेश्चन अगला, ठीक है। इन्हें स्पाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है, M2+ आयन्स ऑक्यूपाई वन एट्थ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड M3+ आयन्स ऑक्यूपाई हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड O2- ऑक्यूपाई CCP स्ट्रक्चर। फाइंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एंड ऑल्सो गिव एग्जाम्पल। असला पिछले बार का अपन ने वो डायग्राम नहीं बनाया, उसका डायग्राम भी एक बार बना ही लेना है, ठीक है ना। क्योंकि जो मुझे लगता है, देखो अब ऑनलाइन पेपर है ना, ऐसा तो नहीं है कि ऑफलाइन पेपर है तो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा पेपर। अब तो ऑनलाइन है तो कलर्ड फिगर भी आ सकता है आपके पास, तो वो क्या कर सकता है, सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन में बिल्कुल एक बढ़िया सा कलर्ड फिगर बना के, अलग अलग कलर के एटम बना के आपको अरेंज करके दे देगा, और वो बोलेगा कि बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या है, या बताइए इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना, या बताइए इसकी डेंसिटी क्या है, मास क्या है, कुछ भी पूछ सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जेई में। हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट में उन्होंने क्या किया कि जैसे कॉर्नर है आपका, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, कॉर्नर पे तो ऐसे सर्कल वाले एटम बना दिए, और जो सेंटर है सेंटर पे कुछ ऐसे वाले एटम बना दिए, तो वो अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए, हाँ कि हाँ भाई ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इस तरीके से। अब तो वो बिल्कुल प्रॉपरली आपको एकदम रंग बिरंगा फिगर देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अपन को हर चीज के लिए रेडी रहना है, इसलिए उसका डायग्राम भी बनाना सब लोग, है ना, पिछले वाले का। यस अश्मिता, बिल्कुल सही। हाँ जी जोशी जी, क्या बोल रहे हो, PC अपडेट होने लगा, चालू होते ही मेरा फोन जूम सपोर्ट नहीं करता। अरे 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 अरे, अरे। नालायक, ऐसे थप्पड़ मिलूंगा तेरे को आके वहीं पे मैं। तो PC को अपडेट होने के लिए सुबह डाल देता, मेरे ही लेक्चर में दिखा तेरे को PC अपडेट होने के लिए है। M304 बिल्कुल सही आंसर है। और कितनों का आंसर आ रहा बताओ। अश्मिता, आप ये थोड़ा सा सोचो कि एग्जाम्पल तुम खुद भी दे सकती हो इससे रिलेटेड, M304 से रिलेटेड कोई तुम्हारे नजर में कोई एग्जाम्पल आ रहा हो तो बताओ। क्या बोला, विंडोज बता के नहीं करता ये सब, मेरा तो करता है। मैं जब शटडाउन करता हूं ना, तो वो पूछता है कि अपडेट एंड शटडाउन करूं या शटडाउन करूं। FE304 बिल्कुल सही बात है। आर्य, मेघ, मोक्षा, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बिल्कुल सही। FE304 इज द रिजेम्बलिंग फिगर टू स्पाइनल स्ट्रक्चर। चलो अब उसका आंसर कर लेते हैं जल्दी से। M2+ की अगर अपन बात करें तो वो बोल रहा है 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। अब सबसे पहले तो ऑक्सीजन से गाड़ी चली होगी। ऑक्सीजन बोलता है कि भाई मैं तो FCC पे हूँ, मतलब मैं चार हूँ टोटल। अगर मैं चार हूँ तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे मेरे, 8 होंगे, मतलब ये इफेक्टिवली 1 होगा। और M3+ की बात करें तो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो बेसिकली आपके पास M M2O4 ये फिगर आपके पास आ रहा है, जो कि
अगर अपन देखें तो किससे रिजेंबल हो रहा है, Fe3O4 से रिजेंबल हो रहा है। अगर आप इसको तोड़ के लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको तोड़ के लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, FeO.Fe2O3। देखो सेम चीज है कि नहीं, ये बताओ एक बार, FeO.Fe2O3। Fe3 है और ऑक्सीजन 4 है, इसको भी आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हो, MO.M2O3। तो ये वाला एम जो है +3 पे आ गया और ये वाला एम जो है वो +2 पे आ गया, खत्म हो गया सॉल्व अपना। बताओ आसान लग रहा है बिल्कुल। एक होता है इनवर्स स्पाइनल, वो खुद से ही बता दो क्या होगा, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। इनवर्स स्पाइनल जल्दी से बताओ, अबे इतना लेट रिप्लाई करोगे पागलो, है खुद ही सोच लो ना। इनवर्स स्पाइनल इनवर्स करना है, इनवर्स किसको करोगे, 2+ और 3+ को, ठीक है। हालांकि यहाँ पे उल्टा है, थोड़ा सा उल्टा है यहाँ पर। अरे नहीं रे पूर्वीश नालायक, तूने तो पूरा ही फॉर्मूला उल्टा कर दिया, M3O4 की जगह M4O3 कर दिया। अरे भाई तेरा हाथ जोड़ो, रुक जा रुक जा, एक क्वेश्चन ही करा देता हूँ यार, रुको। इन्हें इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर M2+3+ की जगह वहां पे M4+ आ रहा है, ठीक है। M4+ ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, M2+ ऑक्यूपाई 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड O2- ऑक्यूपाई CCP अरेंजमेंट। वही आंसर है, देख लो एक बार। हाँ M3+ नहीं है यहाँ पर, M4+ है उसकी जगह पे, तो आपका आंसर वही आएगा वापिस से, MM2O4। लेकिन इस बार ये M जो है वो +4 वाला है और ये वाला भाई +2 वाला है। तो देखो टोटल मिला के कितना हो रहा है, +4 + 4 - 8, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इनवर्स में M3+ की जगह 4+ आ जाता है,